नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नई वीडियो में बात करेंगे आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में। तो दोस्तों, खासकर जो लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं, फतेहगढ़ साहिब से, उनको इसके बारे में पता होगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी लड़का या लड़की यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ पंजाब के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूँ नए नए टॉपिक से रिलेटेड। खासकर वो लड़के जो अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं या 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, में 11th और 12th क्लास में आप अपने बच्चे को एनडीए की ट्रेनिंग करवा सकते हो बाबा बंदा सिंह बहादुर आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी के माध्यम, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चे को बढ़ चढ़ करके तैयारी करवाएं। अब क्योंकि 9th क्लास में सैनिक स्कूल में सीट्स बहुत कम होती है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनको सैनिक स्कूल में 9th क्लास में एडमिशन नहीं मिलता है। ऐसे बच्चे को अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए, 10th क्लास में उनको एग्जाम देने का मौका मिलता है। बाबा बंदा सिंह बहादुर आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके जिनका लड़का अभी 9th क्लास में पढ़ रहा है, 10th क्लास में पढ़ रहा है, जितने भी लड़के अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो इस साल लास्ट डेट होती है और इसका जो एग्जाम है, आपको बता दूं कि जनवरी के 3rd वीक में, यानी 17 जनवरी 2021 में कंडक्ट किया जाएगा। टेंटेटिव डेट बता रहा हूं क्योंकि हर साल जनवरी के, जैसे सैनिक स्कूल का एग्जाम जनवरी के 1st वीक में होता है, तो अगले साल 3 जनवरी 2021 को सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक ऐसे ही 17 जनवरी 2021 में बाबा बंदा सिंह बहादुर आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों को एनडीए के लिए तैयारी करवाई जाती है। लड़कों को और लड़कियों रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ इंक्लूड होता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो भी बच्चे यहाँ से सिलेक्ट, अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। अप्रैल में तैयारी का जो प्रोसेस है वो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कई बार बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को पंजाब बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलेगा, सीबीएसई बोर्ड से? तो आपको बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड से सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अप्रैल में एडमिशन के समय 15 अप्रैल से पहले आपको 60,000 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट जमा करनी पड़ती है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 60,000, तीसरी इंस्टॉलमेंट, टोटल 3 इंस्टॉलमेंट में आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं। लड़कियों के लिए जो फीस है वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए है, 50-50 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट में फीस जमा होती है। तो लड़कियों को भी 15 अप्रैल से पहले पहले फीस जमा करना पड़ेगा। अप्रैल से क्लासेस ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। बात करें अगर एज क्राइटेरिया की, अगर हम लोग एज की बात करें, अगर लड़के सेलेक्ट होना चाहते हैं तो एज क्या होनी चाहिए, तो जो लड़के 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या 10th क्लास पास आउट कर चुके हैं, उनकी एज 2 जुलाई 2004 से बाद में होनी चाहिए, पहले नहीं होनी चाहिए, 2 जुलाई 2004 के बाद में होनी चाहिए। और लड़कियां कौन कौन सी अप्लाई कर रही हैं, जो 12th क्लास में पढ़ रही हैं या 12th क्लास पास आउट कर चुकी हैं, इन लड़कियों को वहां पे ग्रेजुएशन का कोर्स करवाया जाता है 3 साल का, और उसके साथ ही सीडीएस एग्जाम के लिए तैयारी करवाई जाती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, सीडीएस के मौका मिलता है। अब सवाल ये आता है कि लड़कियों की क्या एज होनी चाहिए। लड़कियों की जो एज है 2 जुलाई 2002 के बाद में होनी चाहिए, 2 जुलाई 2002 के बाद में होनी चाहिए। यानी लड़का 10th क्लास में पढ़ता हुआ होना चाहिए जब फॉर्म भर रहा है, और लड़की 12th क्लास में पढ़ती हुई 10th क्लास में पढ़ता हुआ होना चाहिए या 10th क्लास पास आउट होना चाहिए, और एज क्राइटेरिया मीट करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी जानकारी हमने प्रोवाइड करी है बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में। लड़कों को 2 साल एनडीए की ट्रेनिंग करवाई जाती है और लड़कियों को, लड़कियों को सीडीएस एग्जाम के लिए तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का या लड़की, अगर वो एज क्राइटेरिया मीट करता है, किसी भी स्टेट के बच्चे बाबा बंदा सिंह बहादुर आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए,
फॉर्म कब निकलते हैं वो सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, नवंबर और दिसंबर में फॉर्म भरे जाते हैं हर साल। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको बता दूं कि जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, या कई बच्चे ऐसे भी है जो ऑफलाइन भरते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है जो आपने ऑनलाइन भरा है वो डाउनलोड करके आपको अपने पास एज ए डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है। इसके अलावा फोटोकॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है उसको आपको अटेस्ट करवाना है अपने स्कूल के। इसके अलावा आपको ₹500 रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी है। आधार कार्ड के बारे में मैंने बता दिया है, और आपके पास आता है रेसिडेंस प्रूफ, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। तो ये टोटल मैंने आपको 5 डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड की। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए जब आप एडमिशन करवाने के लिए आप जाएंगे। इस स्कूल में बहुत ही लिमिटेड बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। अगर मैं बात करूं जनवरी 2020 के रिजल्ट की, तो एनडीए में टोटल 20 लड़कों ने एनडीए का पेपर क्लियर किया है, रिटन पेपर क्लियर किया है, क्रैक किया है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। पूरे अगर किसी स्कूल में एक बच्चा भी एनडीए के लिए सेलेक्ट होता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी बच्चा अगर वो डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयारी करवाना चाहता है, जो पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपको हमेशा एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से, प्रोफेशनल स्कूल से अपने बच्चे को तैयारी करवानी चाहिए। नॉर्मल स्कूल में आपको सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन जो इस तरह के स्कूल्स होते हैं वहां पे आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो इस तरह की कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे आप लोगों को जरूर विशेष ध्यान देना है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से हर रोज रात को 9 से 10 में नए नए टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूं। जो पेरेंट्स अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं अपने बच्चे को ऑनलाइन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, आरआईएमसी देहरादून की तैयारी करवा सकते हैं। 2000 से भी ज्यादा वीडियोस पेरेंट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एनसीईआरटी का भी पूरा सिलेबस मिल रहा है, शॉर्टकट ट्रिक्स, सैनिक स्कूल के सॉल्ट सैंपल पेपर की वीडियो, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, गुरु जवाहर नवोदय विद्यालय, ये सारे सॉल्ट सैंपल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। ये प्रॉपर 1-1 घंटे की वीडियो है जिसमें सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय के सॉल्ट सैंपल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। तो ये सही समय है बच्चे के घर पे बैठ करके तैयारी करने का। जैसे ही सिचुएशन ठीक हो जाती है, लॉकडाउन हट जाता है, हमारे स्कूल का स्कॉलरशिप एग्जाम भी कंडक्ट किया जाएगा। और ऑनलाइन अगर आप तैयारी करवाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, 24 मई को आपके बच्चे को ऑनलाइन एग्जाम देने का मौका मिलेगा और ₹1,00,000 का प्राइस आपके बच्चे को दिया जाएगा। तो आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, और ये सब चीजें हम लोग भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे जो है वो घर पे बोर ना हो, उनको भी एक टारगेट दिखे, उनको भी लगे कि 24 मई को उनको एग्जाम क्लियर करना है और ₹1,00,000 का प्राइस उनको कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला की तरफ से जीतना है। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो उसको 1 साल फ्री पढ़ाया जाएगा, या ऐसे बच्चों को ₹1,00,000 का प्राइस दिया जाएगा। सबसे जो पहला सवाल है संगीतस अग्रवाल जी का, सर सैनिक स्कूल की वेटिंग लिस्ट निकलती है क्या? आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल में पहले ही 3 गुना ज्यादा बच्चों को बुलाया जाता है। वेटिंग लिस्ट जो नॉर्मल लिस्ट आती है उसी के अंदर वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का भी नाम होता है। अगर कोई मेन लिस्ट का बच्चा ज्वाइन नहीं करता है तो जिस बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में होता है, रिजर्व कैटेगरी में होता है, उस बच्चे को एडमिशन के लिए इनवाइट किया जाता है। अभय ठाकुर का मैसेज है, सर मैं बंदा सिंह बहादुर की तैयारी कैसे करूं? अगर आप अभी 9th या 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो आप हमारे स्कूल से बाबा बंदा सिंह बहादुर के लिए तैयारी कर सकते हो। जो बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं उनको हम लोग इस तरह के, एक पंजाब में है महाराजा रंजीत सिंह जी, वो सरकारी है, उसमें सिर्फ ₹40,000 का खर्चा है, लेकिन वो सिर्फ पंजाब के बच्चों के लिए, पंजाब के पेरेंट्स के लिए है। उसमें ₹40,000 में रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ इंक्लूड है। तो बच्चों को मैं यही कहूंगा कि अगर आप अपने माता पिता का सपोर्ट करना चाहते हो तो इस तरह के स्कूल के लिए तैयारी करो, ताकि पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन ना आए। मैं वीडियो के माध्यम से इस तरह के स्कूल्स को ही प्रमोट करता हूँ जिसमें फीस बहुत कम होती है, ताकि पेरेंट्स उसका खर्चा उठा पाए।
आप भी मेरी मदद कर सकते हैं इस तरह की वीडियोस को शेयर करके। तो जो लोग पंजाब के हैं, महाराजा रणजीत सिंह का फॉर्म निकलता है नवंबर और दिसंबर में हर साल, उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। सिर्फ 40,000 रुपये में बच्चों को तैयारी करवाई जाती है, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस सब कुछ इंक्लूड होता है। और वहां पे एनडीए की तैयारी करवाई जाती है और सिर्फ लड़कों को सेलेक्ट किया जाता है। संगीतस अग्रवाल जी का मैसेज है, चित्तौड़गढ़ की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी? 15 अप्रैल के बाद ही कोई भी जानकारी मिलने की संभावना है। फिलहाल कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। सिचुएशन अगर ठीक होती है, लॉकडाउन हटता है, तो ही आपको कोई जानकारी मिल पाएगी। जितेंद्र कुमार जी का मैसेज, सर यू आर लुकिंग ऑलवेज वेरी हैंडसम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक समुतला आवासीय विद्यालय बिहार वालों के लिए, मैं वादा करता हूँ इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना के दूंगा, इसके ऊपर प्रॉपर एक जानकारी प्रोवाइड करूंगा, ताकि हमारे जो बिहार के बच्चे हैं उनको समुलतला आवाज। शैलेंद्र कुमार यादव जी का मैसेज है, ऑनलाइन क्लासेस की फीस जानना चाहते हैं। सिर्फ 10,000 रुपए में पेरेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून प्रोवाइड किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन क्लासेस लेता है, तो उसकी जो 10,000 रुपए फीस है, फ्यूचर में अगर वो हमारे स्कूल में तैयारी के लिए आता है या हमारे स्कूल में क्रैश कोर्स करने के लिए आता है नवंबर और दिसंबर में, उस फीस में ऐड हो जाएगा। यानी हमारे विद्यालय की तरफ से पेरेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका फायदा उठाइए। फिलहाल आपके बच्चे बिल्कुल फ्री है, उनको एक सही डायरेक्शन पे प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो घर पे बैठे बैठे मेहनत करें और 24 मई को इनको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। 1 लाख रुपए का प्राइज आपका बच्चा जीत सकता है। ये सब चीजें सिर्फ आपके बच्चों को मोटिवेट करने के लिए दिया जा रहा है। आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बात करते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे पेरेंट्स हमसे लगातार पूछते हैं। वो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जैसे, आगे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, कोई भी जो बच्चा है वो 2 जुलाई 2004 के बाद का पैदा हुआ होना चाहिए, ये जो एज क्राइटेरिया है वो एनडीए के एग्जाम 2 जुलाई 2001, 2 जुलाई 2002 के बाद लड़कियां पैदा हुई होनी चाहिए। दूसरा जो सवाल है, जो लड़के और लड़कियां हैं वो कौन सी क्लास में पढ़ते हुए होने चाहिए? जो बॉयज हैं वो 10th क्लास में पढ़ते हुए होने चाहिए और जो लड़कियां हैं वो 12th क्लास में पढ़ती हुई होनी चाहिए। जब वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो लड़कों को 11th और 12th क्लास में एनडीए की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जबकि लड़कियों को पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, माता गुजरी कॉलेज से उनको ग्रेजुएशन का कोर्स। अगला सवाल क्या है पेरेंट्स का, कैन अ 10th पास आउट स्टूडेंट अपियर इन द टेस्ट? क्या एक अगला जो सवाल है, जो +1 और +2 के लड़के हैं वो कहाँ पे ज्वाइन करेंगे? उनको मैं बता दूं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी जो एनडीए ब्लॉक है, इन बच्चों को वहां पे ज्वाइन करवाई जाएंगे और इनको 2 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाएगी। अगला सवाल है पेरेंट्स का कि ये जो बच्चे तैयारी करेंगे 11th और 12th क्लास के लिए, लड़के एनडीए की तैयारी करेंगे, उनको किस बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलेगा? सीबीएसई बोर्ड से या पंजाब बोर्ड से? तो मैं आपको बता दूं कि इन बच्चों को सीबीएसई बोर्ड का सर्टिफिकेट 12th क्लास का दिया जाएगा। अगला जो सवाल है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मैं आपको बता दूं कि एनडीए एनडीए ज्वाइन करने के लिए, खासकर आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, जो लड़के एनडीए के थ्रू आर्मी में जाना चाहते हैं, उन बच्चों को, वो बच्चे 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन जो बच्चे एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स उनके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। आपको ये चीज याद रखना है, जो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से 11th 12th क्लास में पढ़ाई नहीं करता है, वो बच्चा एनडीए के थ्रू इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकता है, वो सिर्फ इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकता है। सवाल ये आता है कि ये जो एकेडमी है बाबा बंदा सिंह बहादुर, ये जो एकेडमी है
क्या ये एकेडमी रेसिडेंशियल है या यहाँ पे बच्चे अप डाउन कर सकते हैं, डे स्कॉलर बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंशियल बच्चों को लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर 15 से 18 घंटे डेली की ट्रेनिंग करवाई जाती है, सुबह से शाम तक प्रॉपर ट्रेनिंग आर्मी की करवाई जाती है। जैसे हमारे स्कूल में करियर डिफेंस स्कूल अंबाला में बच्चों को सुबह 5:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ट्रेनिंग प्रोवाइड, उनको वो वहां पे क्या ज्वाइन करेंगी, तो वो ग्रेजुएशन का कोर्स ज्वाइन करेंगी। ग्रेजुएशन का कोर्स माता गुजरी कॉलेज जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से एफिलेटेड है, वहां पे इन लड़कियों को एडमिशन दिया जाएगा। इनकी ट्रेनिंग बाबा बंदा सिंह बहादुर में ही होगी लेकिन इनको सर्टिफिकेट पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का दिया जाएगा। अगला जो पेरेंट्स का सवाल है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला माता गुजरी कॉलेज जो है वो किस बोर्ड से एफिलेटेड है, किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है? वो एफिलेटेड है आपको बता दूं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से एफिलेटेड है। पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जो लड़के और लड़कियां वहां पे रहते हैं क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो आपको बता दूं कि जो रूल रेगुलेशन है वो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंगली होते हैं 11th और 12th क्लास के लड़कियों के लिए, जबकि लड़कों के लिए, और जबकि लड़कियों के लिए जो यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कॉलेज के रूल्स रेगुलेशन है, वो लड़कियों के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। अगला जो सवाल है, क्या क्या चीज फोन्स बैन है, रैगिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स, इस तरह की किसी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज के ऊपर टोटली बैन है। आप यहाँ पे सेलफोन यूज नहीं कर सकते, आप अपने पास रख भी नहीं सकते, आप यहाँ पे किसी भी लड़के या लड़कियों के रैगिंग नहीं कर सकते, किसी भी तरह का ड्रिंकिंग या धूम्रपान वगैरह नहीं कर सकते, स्मोकिंग, ड्रग्स, इस तरह की कोई भी इलीगल एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। अगला पेरेंट्स का सवाल है, फीस स्ट्रक्चर क्या है? लड़कों के लिए 1,80,000 रुपए 1 साल की फीस है जिसमें रहना पीना खाना सब कुछ आपका इंक्लूड होता है, और 60-60 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करवानी पड़ती है। अब सवाल ये आता है लड़कियों की फीस क्या है, लड़कियों की जो फीस है वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए है जिसमें रहना पीना खाना सब कुछ इंक्लूड है, 50-50 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करवाई जाती है। सवाल ये आता है कि ये जो फीस है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इस फीस के अंदर स्कूल की जो फीस होती है, यूनिवर्सिटी की फीस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट चार्जेस, ये सब इंक्लूड होते हैं, ग्रूमिंग चार्जेस जो बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जाती है, प्री एसएसबी ट्रेनिंग, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज, लॉन्ड्री यानी जो आपके कपड़े कपड़े जो धोने की जो सर्विसेज हैं वो सब फ्री होती है, फिटनेस क्लब इंक्लूड नहीं होता है इसके अंदर। जो बच्चों की घर के कपड़े हैं, बच्चे अपने पर्सनल यूज का सामान लेकर के आएंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल ड्रेसेस बच्चों को लेकर के आनी पड़ती है, बुक्स बच्चे लेकर के आते हैं, स्टेशनरी का यानी पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, ये सब बच्चों को लेकर के आना पड़ता है। इसके अलावा किसी अगर बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज फ्री है लेकिन स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो पेरेंट्स के खर्चे पर करवाया जाएगा। अगला सवाल लेने से पहले कुछ पेरेंट्स के सवाल जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र कुमार जी का मैसेज है, सर बीएचयू क्लास 6th में बच्चे को हॉस्टल मिलता है क्या? बिल्कुल जी, हॉस्टल होता है लेकिन बहुत ही लिमिटेड हॉस्टल होते हैं, बहुत ही कम हॉस्टल होते हैं। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है साथ के साथ ही आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है, अगर आप थोड़ा भी देर करेंगे हॉस्टल मिस हो जाएगा, बाद में आपको बहुत ध्यान देना है, जो भी डिसीजन लेने हैं वो जल्दी जल्दी लेने हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफी स्लो होता है, बहुत ही सोच समझ के बच्चों को प्रॉपर बुक्स नहीं दिलवा रहे हैं, तैयारी नहीं करवाते हैं, क्रैश कोर्स नहीं करवाते हैं, कोचिंग नहीं करवाते हैं, तो बस वो वीडियो देखते रहते हैं, सोचते हैं रिश्तेदारों में ज्यादा, इस बात का विशेष ध्यान देना है आप। रोशन जी का मैसेज, सर आपका स्कूल का 10th का रिजल्ट क्या रहता है, बच्चे अच्छे मार्क्स ला पाते हैं? बिल्कुल जी आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में 80% से ऊपर ही रहता है 10th का रिजल्ट। इसके पीछे रीजन यही है कि जितने भी बच्चे आते हैं सब कॉम्पिटेटिव माइंड से आते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि देखिए क्यों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में लाया जाता है, क्योंकि जब तक आप एक अच्छे माहौल में आकर के तैयारी नहीं करते,
अगर आप सोच रहे हो कि आप घर पे बैठ करके तैयारी कर लो, घर पे आपको वो माहौल नहीं मिलता है। आपको बता दूं कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उसके लिए माहौल बहुत जरूरी है। आप भी वैसे ही बनते हो जैसे आपके आसपास के लोग होते हैं, आप भी वही सीखते हो जो आप अपने घर में देखते हो, जो एक्टिविटीज आपके माता पिता देखते हैं, जो आपके टीचर्स जो एक्टिविटीज करते हैं, वही चीजें आप देख करके सीखते हो। इसीलिए बोर्डिंग स्कूल में इस तरह का कल्चर प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि बच्चों को एनडीए का डिफेंस का पूरी ट्रेनिंग करवानी चाहिए। फिलहाल इस टाइम कोरोना वायरस है, इसीलिए मैं पेरेंट्स को कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन क्लासेस लो, और जो ऑनलाइन क्लासेस की फीस है 10,000 रुपये, वो जब आप हमारे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे वो फीस एडजस्टेबल है। तो ऑनलाइन क्लासेस हमारी तरफ से एक सर्विस है, और हम लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में, तो जो चीजें हम आपको फ्री में दे सकते हैं वो बिल्कुल हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई थी, वो भी हमने पेरेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। defensecool.com के ऊपर जाकर अगला जो मैसेज है, शिव सिंह का मैसेज, सर जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सर आरएएमसी के फॉर्म की लास्ट डेट कब तक है, कब तक एक्सटेंड हुई है? आपको बता दूं कि आरएएमसी देहरादून की जो डेट है वो पोस्टपोन्ड हो गई है। फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, आरएएमसी में ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं हो रही है, तो आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा। फिलहाल हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा 15 अप्रैल का, और देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, उसके बाद ही आपको आगे की जानकारी दे पाएंगे। शैलेंद्र कुमार यादव जी का मैसेज है, टाइमिंग क्या है? आपको मैं बता दूं कि जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस देते हैं उसको बच्चा 24 घंटे में कभी भी चला सकता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जी ऑनलाइन क्लासेस बच्चा कभी भी यूज कर सकता है। हर रोज पेरेंट्स को इसके अंदर लगातार नए नए कंटेंट, नए नए टॉपिक्स प्रोवाइड किया जा रहा है, हर रोज बच्चे को कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और इसके अंदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के सिलेबस के साथ शॉर्टकट ट्रिक्स, एनसीईआरटी का सिलेबस, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर्स, पीडीएफ वीडियो लेक्चर आपको दिए जाते हैं। प्रभास श्रीवास्तव जी का मैसेज है, व्हेन कॉल लेटर सेंड फॉर एडमिशन फॉर क्लास 6th फॉर सेशन 2020। प्रभास श्रीवास्तव जी, 15 अप्रैल के बाद ही कोई जानकारी मिल पाएगी। इस समय पूरे ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, फिलहाल अपने बच्चे को घर से बाहर निकालना सेफ नहीं है, तो ये जो भी जानकारी है वो आपको बाद में ही मिल पाएगी। 15 अप्रैल के बाद ही ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से कोई भी जानकारी मिल पाएगी। मदन सिंह जी का मैसेज है, 5 अप्रैल का टेस्ट कब तक होगा? जो टेस्ट है वो लॉकडाउन हटने के बाद जरूर कंडक्ट किया जाएगा। जिस तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी एग्जाम पोस्टपोन्ड कर दिए जा चुके हैं, उसी तरीके से हमारा भी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है। आप लोगों को हौसला रखना है, और फिलहाल अपने बच्चों को घर पर पे बिठा करके तैयारी करवाइए। शर्मा जी का मैसेज आ चुका है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र या गीता निकेतन में से कौन सा अच्छा रहेगा? देखिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र तो हजारों लाखों गुना बहुत 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 अच्छा है। एक कुछ अगर मैं बात करूं इंक्लूड करके, तो यहाँ पे जो फीस होती है मुश्किल से 1,20,000, 1,30,000 रुपए का खर्चा यहाँ पे आता है, और बच्चों को यहाँ पे जाती है। तो पेरेंट्स को इस बात का विशेष ध्यान देना है, बहुत जबरदस्त स्कूल है, इसकी गारंटी मैं लेने को तैयार हूँ। अगला जो मैसेज है, नवदीप सिंह जी का मैसेज है, सर आपसे फोन पर बात करना है, मैं रोज लाइव आता हूँ, हर रोज रात को 9 से 10। सबसे पहले जो लोग ऑनलाइन आए वो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आप टेलीग्राम पे जाकर के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जो भी जानकारी मांगेंगे, आपको सैंपल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, क्योंकि हर चीज के ऊपर यूट्यूब पे वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सभी स्टेट के जो रिजल्ट निकलते हैं सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल, 9922 8 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आगे चलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बाबा बंदा सिंह बहादुर से रिलेटेड जो अगले सवाल जवाब है।
अगला पेरेंट्स का सवाल है, यहां पे एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है? तो आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपको डाउनलोड करना है, इसके अलावा 500 रुपये फीस, आधार भी आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से आपको क्या करवाना है, अटेस्ट करवाना है, तभी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आर्मड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी से तैयारी करवा सकते हैं जो लोग पंजाब से हैं, सिर्फ 40,000 रुपए में, रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस हॉर्स राइडिंग स्विमिंग एनसीसी की ट्रेनिंग, ये सब कुछ आपको महाराजा रणजीत सिंह एकेडमी में, बिल्कुल सरकारी है इसीलिए सिर्फ 40,000 रुपए में आपको मिलता है, जबकि बाबा बंदा सिंह बहादुर जो है वो आपका शिवामणि अकाली सोसाइटी के द्वारा चलाया जाता है, और वहां पे जो फीस है वो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है अगर आप सैनिक स्कूल में 1 लाख 1.5 लाख देकर के तैयारी करवा सकते हैं, तो आप बाबा बंदा सिंह बहादुर में भी 1,80,000 रुपये देकर के अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। अगला जो सवाल है, इन केस ऑफ एडमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज नॉट डाउनलोडेड देन व्हाट, अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं होता तो क्या करें, इसकी जानकारी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी फतेहगढ़ साहिब पंजाब की, अगला सवाल है पेरेंट्स का, इसमें किसी भी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल जी, किसी भी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान देना है। क्या यहाँ पे वीकेंड पे छुट्टियां दी जाती हैं? मंडे टू सैटरडे यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, लेकिन संडे फ्री होते हैं बच्चे, लेकिन किसी भी तरह की छुट्टी यहाँ पे नहीं दी जाती है। अटेंडेंस 90% कंपलसरी है, 10% मेडिकल लीव प्रोवाइड किया जाता है, तो इस बात का पेरेंट्स को विशेष ध्यान देना है। अगर आप अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हो तो आपको जो तैयारी है वो ढंग से करवानी चाहिए ताकि आपके बच्चे का वहां पे सिलेक्शन हो। कई बार हमारे स्कूल में भी ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चे को छोड़ने के बाद बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, बार बार कॉल्स करने की डिमांड करते हैं, बार बार किसी न किसी बहाने के थ्रू वो अपने बच्चे से मिलने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप हमारा नुकसान नहीं कर रहे होते, इसमें आपके बच्चे का नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट खराब आने की जो स्थिति होती है, क्योंकि उसका माइंड डाइवर्ट होता है ऐसी चीजों, जब तक बच्चा आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ अपने टीचर्स के साथ वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। 15 से 20 दिन किसी भी नए बच्चे को सेट होने में लगता है, तो पेरेंट्स को मैं ये कहूंगा कि कभी भी जब आपका बच्चा हॉस्टल में जाता है उतर पाए। अगला जो सवाल है, यहाँ पे खाना किस तरीके का प्रोवाइड, खाना खाते हो? बिल्कुल सेम वही सिस्टम होता है, आप पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए कि बोर्डिंग स्कूल में कोई अलग खाना नहीं बनता है, जैसे जैसे आप अपने घर पे खाना बनाते हो बिल्कुल सेम वैसा ही बोर्डिंग स्कूल में खाने की व्यवस्था की जाती है, चाहे वो सैनिक स्कूल हो चाहे वो मिलिट्री स्कूल हो और चाहे वो करियर डिफेंस स्कूल अंबाला क्यों ना हो। तो यहाँ पे मॉर्निंग में आपको टी मिलता है, ब्रेकफास्ट लंच इवनिंग टी, इस तरह की चीजें बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, कैंटीन भी होती है, हमारे स्कूल में भी प्रॉपर कैंटीन है, बच्चे पॉकेट मनी वगैरह जो होता है वो स्कूल में जमा हो जाती है, उसके अकॉर्डिंगली बच्चा अपनी पॉकेट मनी के पैसे से कुछ भी खा पी सकता है। इसके अलावा स्कूल में बच्चे को 3 टाइम का खाना और 11 बजे दूध और शाम को स्नैक्स प्रोवाइड किया जाता है। आगे चलते हैं, और एक पेरेंट्स का सवाल है, डेली रूटीन क्या होता है? बाबा बंदा सिंह बहादुर आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी में रूटीन क्या होता है? अगर हम लोग बात करें रूटीन की, तो जैसे सैनिक स्कूल में मिलिट्री स्कूल में ट्रेनिंग का रूटीन होता है एनडीए में, बिल्कुल वैसे ही 5:30 बजे बच्चे उठ जाते हैं, 6:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक फिजिकल ट्रेनिंग होती है, 7 से 8 नहाना धोना ब्रेकफास्ट किया जाता है, और क्लासरूम टीचिंग जो है वो 8:15 से लेकर के 1 बजे तक प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाती है, 1 से 2 बच्चे क्लब्स ज्वाइन करते हैं उसके अंदर बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जाती है, शाम को 4 बजे बच्चों को चाय मिलती है,
चार से 5.5 बच्चों को खेलने का मौका मिलता है, 5.5 से 7.5 बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, 7.5 से 8.5 बच्चे डिनर करते हैं, 8.5 बजे से 10:30 बजे तक बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, और इसके बाद 10:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक बच्चे सोते हैं, रेस्ट करते हैं। विंटर और समर में टाइमिंग में थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है, दे सकते हैं। यस, यू नीड टू सेंड एन ईमेल रिक्वेस्ट, यू विल बी रिक्वायर टू डिपॉजिट 1,000 रुपीज, यानी आप 1,000 रुपए देकर के ऑनलाइन टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट आप घर पे बैठे बैठे आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी का ज्वाइन करके टेस्ट दे सकते हो। तो ये सारा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है पेरेंट्स को। ये सारे पेरेंट्स के सवाल थे जिसका मैंने जवाब दिया है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, फिर कुछ और नए सवाल के साथ वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो लोग YouTube पे लेट ज्वाइन किए हैं उनको मैं बता दूं कि आज हम लोग बात कर रहे हैं आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी फतेहगढ़ साहिब पंजाब बाबा बंदा सिंह बहादुर की। यहाँ पे लड़कों को 11th और 12th क्लास में एनडीए की ट्रेनिंग और लड़कियों को ग्रेजुएशन में सीडीएस की ट्रेनिंग करवाई जाती है। अगला जो मैसेज है प्रवीणा कुमारी जी का, जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आने की संभावना फिलहाल अगले 15 से 20 दिन में किसी भी तरह की कोई भी संभावना नहीं है। फेज टू का भी जो जो जवाहर नवोदय का विद्यालय का जो एग्जाम था उसको भी कैंसल कर दिया गया है। तो पेरेंट्स को इस समय ये सवाल पूछने की बजाय बच्चों को आगे के लिए तैयारी करवानी चाहिए, आगे के लिए फोकस करना चाहिए ताकि बच्चों को कुछ सीखने को मिले। पेरेंट्स को मैं बार बार पर्सनली यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे को आगे के लिए तैयारी करवाइए। लॉकडाउन हो रखा है, बहुत सारे पेरेंट्स बेवजह परेशान हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है बेवजह किस टाइम घर पे बैठे हुए हैं फिर भी उनके मन में यही सवाल है स्कॉलरशिप टेस्ट कब होगा, एडमिशन कब होगा। आप लोग खुद सारा दिन टीवी में देख रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना, सारा दिन 24 घंटे चल रहा है, उसके बावजूद भी ये बड़े दुख की बात है कि आप अपने बच्चे को बाहर भेजने के बारे में सोच भी रहे हो, ये भी बड़े दुख की बात है। जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती ये सब चीजें आप लोगों के लिए ही किया गया है, आपके ही सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है। साक्षी शर्मा जी का मैसेज है, 24 जून 2003 वालों के लिए स्कूल में क्या कोई या मैं स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता हूं? अगर नहीं तो कैसे तैयारी करेंगे? साक्षी, ये जो बच्चे का आपने डेट ऑफ बर्थ बताया है ये बच्चा जो है वो बाबा बंदा सिंह बहादुर के लिए 2 जुलाई 2004 के बाद का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, यानी ये जो बच्चा है जिसका डेट ऑफ बर्थ 24 जून 2003 है ये बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता अगर ये लड़का है तो। और अगर ये लड़की है तो ये तैयारी कर सकती है, 12th क्लास में अगर पढ़ रही है तो प्रॉपरली सीडीएस के एग्जाम के लिए बाबा बंदा सिंह बहादुर से आप प्रॉपर ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो। संजय कुमार शर्मा जी का मैसेज, सर मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी 2009 है, 6th क्लास का जो चांस है संजय कुमार शर्मा जी वो मिस कर चुका है, आप लेट हो चुके हो और अब आप 6th क्लास के लिए ना तो सैनिक स्कूल के लिए और ना ही मिलिट्री स्कूल के लिए अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हो। आप 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी करवा सकते हो। और पेरेंट्स को यही चीज समझना चाहिए, संजय कुमार शर्मा जी का जो सवाल है कि फिट कब होता है, जैसे देखिए फिट फिट का जो क्वेश्चन है बहुत सारे पेरेंट्स के मन में सवाल होता है कब तैयारी करवाएं, क्या राइट टाइम है, ये सोचते सोचते क्या हो गया कि आपके बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में, जबकि 9th क्लास में सिर्फ 15 से 20 सीटें होती हैं। तो जो बच्चे 9th क्लास में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं उन बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं और उन बच्चों का हम आगे बाबा बंदा सिंह बहादुर या महाराजा रणजीत सिंह आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के लिए तैयारी करवाते हैं। ये सरकारी है, सिर्फ 40,000 रुपये फीस है, 1 साल का रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ इंक्लूड होता है। तो पेरेंट्स के लिए इतनी मेहनत करते हैं, कई बार मैं देखता हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी बातों को फैलाने के लिए आप लोगों तक तो पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन नेगेटिव चीजों को फैलाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, वो अपने आप ही फैलती जाती है। तो आप लोगों को पेरेंट्स को जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको समझना चाहिए कि हर रोज रात को 9 बजे आना, लाइव आना लगातार कम से कम हिंदुस्तान में किसी भी कोने से
आप अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, हम आपकी फॉर्म भरने में मदद करेंगे, आपको तैयारी करवाने में, ऑनलाइन क्लासेस, बुक्स, या आप हमारे काउंसलर से सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल करके कोई भी जानकारी आप ले सकते हो। तैयारी करो, हम आपकी मदद करेंगे। हमारे YouTube चैनल पे किसी भी तरह का वीडियो के ऊपर एड भी नहीं लगाया जाता, ताकि पेरेंट्स को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, क्योंकि एड लगाने से पेरेंट्स का टाइम खराब होता है, डिस्ट्रैक्शन होती है। हम चाहते हैं कि जो लोग हाईली फोकस्ड हैं वो हमारे साथ जुड़े, नहीं तो ऐसे टाइम में कोई रामायण देख रहा है, कोई महाभारत देख रहा है, कोई शक्तिमान देख रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारा दिन 24 घंटे कोरोना कोरोना नेगेटिव न्यूज है। अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिव डालोगे तो यहाँ से नेगेटिव ही निकलेगा, आप यहाँ से पॉजिटिव डालोगे तो यहाँ से भी पॉजिटिव ही निकलेगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो नेगेटिव इन नेगेटिव आउट, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या देख रहे हैं। तो आप लोगों के बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, संचार शर्मा जी आपका बच्चा 8th क्लास के लिए REMC देहरादून की भी तैयारी कर सकता है। तो संजय कुमार शर्मा जी, ये सही टाइम है अपने बच्चे को तैयारी करवाने का। यहां से आप एक एक दिन जितना लेट करेंगे आपका उतना ज्यादा लॉस होगा। आप सिर्फ 10,000 रुपये में ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, 20,000 रुपये में रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, और आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिल जाएगा। तो 7419999928 पर कॉल करके पेरेंट्स कोई भी जानकारी, इस टाइम सारे स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं, लेकिन हमारे जो काउंसलर्स हैं वो लगातार आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। राजेश कुमार जी का मैसेज है, राजेश कुमार जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सर का मैसेज है कि उनके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने 9th क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कामना करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके बच्चे को तैयारी करने के लिए और आपको तैयारी करवाने के लिए शक्ति दे। 19 दिसंबर 2007 है, आपका बच्चा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम इस साल देगा, तो आप तैयारी करवाइए निसंकोच। आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, NDA, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि 9th क्लास में सीट्स काफी कम होती हैं, कोशिश कीजिए अभी से ऑनलाइन क्लासेस लेकर के तैयारी करवाइए, ताकि आपके बच्चे को इसका बेनिफिट मिले। ये जो 1 महीना है आपके बच्चे का खराब नहीं होना चाहिए। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाए, जो 10,000 रुपये फीस आप देते हैं वो स्कूल फीस में ऐड हो रही है, तो आपका कोई लॉस नहीं है, 1 साल के लिए बिल्कुल वैलिड है। बोल रहा है गुरुकुल का सिस्टम बहुत अच्छा है, सिर्फ गुरुकुल में कमी यही है कि जो गुरुकुल नीलोखेड़ी है और जो गुरुकुल ज्योति सर है उसकी फीस बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये फीस काफी ज्यादा होती है। हम लोग हमारे स्कूल में फर्स्ट से लेकर के 12th क्लास के बच्चों को जो बहुत ही मिनिमम फीस में तैयारी करवाई जाती है, 1,10,000 रुपये में बच्चों को तैयारी करवाई जाती है, जिसमें 1 साल में रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस सब कुछ इंक्लूड होता है। इसमें आपको हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, NCC की ट्रेनिंग, बच्चों को सभी क्लासेस के अंदर स्मार्ट क्लासेस लगाए गए हैं, बच्चों को स्मार्ट डिजिटल टैब्स प्रोवाइड किए जाते हैं पढ़ने के लिए, ये सारी चीजें NCC की ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं 7th से लेकर के जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनकी फीस 1,30,000 रुपये। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो सोसाइटी है, वो लगातार एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है, और आप लोगों का सबसे अच्छी बात यह कि आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आगे चलते हैं और कुछ और नए क्वेश्चंस लेते हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी के कुछ और नए सवाल जवाब लेते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ की जो अथॉरिटीज हैं जो बाबा बंदा सिंह बहादुर को मैनेज करती हैं, चलाती हैं, तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि यहाँ के जो पैटर्न यानी संरक्षक, संरक्षक कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल HRS मान, तो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है। और आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल एक बहुत ही क्लासमैन ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। इस मैनेजमेंट के साथ आपका बच्चा इतनी हाई अथॉरिटीज के बीच में पढ़ता है, एजुकेशन लेता है, तो अपने आप में बहुत ही प्राउड की बात है। सीनियर एडवाइजर की अगर मैं बात करूं बाबा बंदा सिंह बहादुर में, लेफ्टिनेंट जनरल SP सिंह, ये भी इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है।
अगर मैं बात करूं कमांडेंट, यहाँ के कमांडेंट कौन है, मेजर जनरल डॉक्टर जीएस लांबा। तो इतनी बड़ी बड़ी जो हाई प्रोफाइल अथॉरिटीज जो है वो आपके बच्चे को लगातार दिन रात आपके बच्चे को एनडीए में सेलेक्ट करवाने के लिए, लड़कियों को सीडीएस में सेलेक्ट करवाने के लिए काम करती है। तो जो इंडियन आर्मी में गैजेटेड पोस्ट पर रह चुके हैं, 25-30 साल इंडियन आर्मी को कमांड कर चुके हैं, चला चुके हैं, ऐसे लोग आपके बच्चे को ट्रेनिंग करवाएंगे एनडीए की। तो आप सोच करके देखिए कि आपके बच्चे का फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2020 जनवरी में 20 बच्चों ने रिटन एग्जाम क्लियर किया था, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। किसी स्कूल में एक दो बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं तो अपने आप में एक बहुत प्राउड की बात होती है। तो पेरेंट्स को तैयारी करवानी चाहिए। अगर हम लोग बात करें एग्जाम पैटर्न की, बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम के लिए जानकारी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स का आपका पेपर कंडक्ट किया जाता है। इसमें 75 नंबर का मैथ्स आता है और 75 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, और जो दोनों पेपर है वो 1.5 1.5 घंटे की, यानी टोटल 3 घंटे का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और इसमें 150 नंबर का पेपर आता है जिसमें आपका 75 नंबर का इंग्लिश और 75 नंबर का मैथ्स का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो ये सारी जानकारी मैंने आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड की है, बाबा बंदा सिंह बहादुर आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी। वीडियो के अंत में मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, महाराजा रणजीत सिंह आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, ये आपका मोहाली पंजाब में है। तो ये दोनों ही पंजाब में है। महाराजा रणजीत सिंह की अगर मैं बात करूं तो ये सरकारी है, पंजाब सरकार द्वारा अप्रैल 2011 में इसकी स्थापना की गई। 40,000 रुपए में यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है जिसमें रहना पीना खाना सब कुछ आपका इंक्लूड होता है। तो पेरेंट्स को मैं बार बार यही गाइड करूंगा कि आप लोगों को इन सब बातों का विशेष ध्यान देना है अगर आप अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं। और महाराजा रणजीत सिंह आर्मर्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट में सिर्फ पंजाब के बच्चों को ही सेलेक्ट किया जाता है। तो मैं इन दोनों के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा और इन दोनों को कंपेयर करूंगा, उसके बाद आप डिसाइड करना, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में भी अगर एडमिशन मिल जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट की सुविधा भी है यहाँ पे, तो इस तरह की ट्रेनिंग आपको अपने बच्चे को करवानी चाहिए। सवाल ये आता है कि मैं इस तरह की चीजों पर वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्योंकि हमारे भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। कई बार पेरेंट्स को पता नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है, या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो अपने बच्चों को तैयारी लेट शुरू करवाते हैं। और कई बार क्या होता है, 9th क्लास में अच्छे अच्छे आज नहीं तो कल उस बच्चे को सिलेक्शन जरूर मिलेगा, चाहे वो सैनिक स्कूल के माध्यम से एनडीए में जाए, चाहे वो मिलिट्री स्कूल के माध्यम से एनडीए में जाए, चाहे वो करियर डिफेंस स्कूल अंबाला यानी हमारे स्कूल के माध्यम से एनडीए में जाए, और चाहे वो बच्चा महाराजा रणजीत सिंह के माध्यम से, और चाहे वो बच्चा बाबा बंदा सिंह बहादुर के माध्यम से एनडीए में जाए, चाहे वो बच्चा गुरुकुल के माध्यम से जाए, लेकिन एनडीए में जाना ही उनका लक्ष्य है। आपको मैं एक बेहतरीन उदाहरण दूंगा, आप लोग सचिन तेंदुलकर को क्यों जानते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली, उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। आप लोग एपीजे अब्दुल कलाम को क्यों जानते हो, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी रॉकेट बनाए, इसके अलावा और आप किसी और फील्ड के लिए उनको नहीं जानते। तो ऐसे ही अगर आपका बच्चा लगातार कंसिस्टेंटली सालों साल तैयारी करेगा तो आपका बच्चा भी एनडीए में जरूर सेलेक्ट होगा। आप विराट कोहली को क्यों जानते हैं, क्योंकि विराट कोहली ने सारी जिंदगी अपनी क्रिकेट खेल के निकाल दी। बचपन में आपको बता दूं कि विराट कोहली जो है वो 4 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहा है। जो बंदा 4 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहा है वो क्यों नहीं अंडर 19 विश्व कप के कप्तान थे। तो ये चीज बहुत इजी हो जाती है, जितना कम एज में जितना ज्यादा आप टाइम डिवोट करेंगे लगाएंगे किसी भी ट्रेनिंग के लिए, आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नीलम रावत जी का मैसेज है, सर ये लॉकडाउन कब तक खत्म होगा, कुछ पता हो तो प्लीज बताइए। लॉकडाउन की जानकारी तो आपको 24 घंटे न्यूज के माध्यम से मिल रही है, तो बहुत मुश्किल लग रहा है अभी फिलहाल, कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैं बार बार आपको इशारा कर रहा हूँ कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। और कुछ लोग इस समय में परेशान हो रहे हैं, मैं बताऊं मुझे तो लॉकडाउन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, मैं घर पे बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप लोग, ये आपकी नजरों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको पॉजिटिवली देख रहे हो या नेगेटिवली देख रहे हो। मैं इसका पॉजिटिव साइड देख रहा हूँ, इस समय मुझे अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा टाइम, ऑनलाइन क्लासेस की इतनी ज्यादा डिमांड आ चुकी है जिसकी वजह से मेरे को 17 से 18 घंटे काम करना पड़ रहा है।
जहां पहले मैं दिन में सिर्फ एक वीडियो बना पाता था, लॉकडाउन की वजह से मैं दिन में 4 से 5 वीडियोस लगातार बना रहा हूँ, हर रोज यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग इसका नेगेटिव साइड देख रहे हैं, इसके बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स भी हैं, लेकिन ये टोटली आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है नीलम रावत जी, कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। आप इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, आप इसको नेगेटिवली देख रहे हैं, ये टोटली आपके माइंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे आपको नेगेटिव नहीं होना है, आप इसका पॉजिटिव साइड देखिए। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं पिछले 20 सालों में मैंने अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम कभी भी स्पेंड नहीं किया जितना मैं आज कर पा रहा हूँ। इसके अलावा पिछले 20 सालों में मैं अपने ऊपर उतना काम नहीं कर पाया हूँ। इतने कम समय में पिछले 15 दिनों के अंदर मैंने लगातार अपने ऊपर बहुत काम किया है, और लगातार मैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ, नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ, नई नई चीजें जिनको मैं फालतू समझता था, बेकार समझता था, उनके ऊपर लगातार मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं। हमारे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। जो लोग अभी लाइव हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको हमेशा हर रोज नए नए टॉपिक्स में आपको नई नई वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।